नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नई दिल्ली लोकसभा यूथ विंग से सुरभि सहजवाल जी के। आज हम क्षेत्र में मौजूद हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं इनके विचारों को लेके। सुरभि जी, आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है स्टार सिटी न्यूज में। मेरा आपसे मैम पहला कदम है, आपने जो राजनीतिक में जो सफर जो आपका शुरू हुआ आम आदमी पार्टी में, कैसे आपके मन में आया इस पार्टी में जुड़ने का? सब पॉलिटिकली तो मैं पहले से ही हमारी फैमिली जुड़ी हुई है, लेकिन आम आदमी के पार्टी के काम देख के, जिस तरीके से डेवलपमेंट वो दिल्ली में लेकर आए, स्कूल्स और मोहल्ला क्लिनिक और चीज़ें भी, बहुत चीज़ें डेवलप की है, उस चीज़ को देख के मैं आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किया। 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं मुझे और मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हूँ जितना भी आम आदमी पार्टी के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, सब कुछ एक्टिवली ज्वाइन कर रखा है। सुरभि जी, आप जैसे लोकसभा यूथ की जिम्मेदारी पे हैं, कैसे आपकी टीम यूथ इस समय चल रही है? सर, यूथ विंग बहुत एक्टिव है। हमारे जो रोहित सर हैं, वो उन्होंने मुझे जब ये पद दिया, मैं थोड़ा डरी थी, लेकिन जब उन्होंने मुझे सपोर्ट ली, आगे मूव किया कि तुम एक्टिवली हर चीज़ में पार्टिसिपेट करो, आज मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ अच्छा कर सकती हूँ। और अभी रिसेंटली में जो दुर्गेश सर के इलेक्शन में, हम यूथ विंग मॉर्निंग 6 o'clock से पार्टिसिपेट कर रही थी और रात के 9-10 बजे तक हम यूथ विंग वहीं पे थे और पूरा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और उनका पूरा सपोर्ट किया जितना हमसे हो सकता था। तो पार्टी जब जैसे जीते हैं, कैसा आपको लग रहा है? सब बहुत अच्छा लग रहा है, हमने बहुत अच्छा इन्जॉय किया और हम जिस दिन जैसे जैसे इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा था, हम बस सारे एक साथ बैठ के क्रॉस करके बैठे थे कि रिजल्ट बहुत है और रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। 11,555 वोटों से हमारी जीत है, तो अच्छा लगा। तो जिस तरह जनता ने उनको एक बहुमत देके विश्वास में जिताया है, तो आगे उनके क्या प्लानिंग्स हैं कुछ क्षेत्र के? सर, हम जब वहाँ पे सर्वे कर रहे थे और इवन हम वहाँ पे जब घूम रहे थे, तो लोगों की बहुत सारी दिक्कतें हम सुन रहे थे और उस वक्त दुर्गेश सर ने ये भी कहा था कि मैं वो चीज़ें सही करूँगा। कुछ नारायणा विहार के एरिया में रेलवे फाटक के वहाँ पे एक रास्ता था जो कि बंद कर दिया गया, वो कहने के नाम पे कि सेफ्टी है, लेकिन रियलिटी में उन लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है, कितना घूम के जाना पड़ रहा है, वो ही लोग जानते हैं। आम आदमी को इतना डिस्टर्ब कर रखा है कि इंसान थक जाता है कि वो पूरा एक 10 किलोमीटर वॉक करके जाए। हर किसी के पास तो गाड़ी नहीं है, ना कन्वेंस है, बहुत लोग पैदल घूमते हैं। यहाँ तक कि रेलवे लाइन पे जो फुटपाथ बना रखा था, वो भी फुट ओवर ब्रिज उन्होंने बंद कर दिया था कंस्ट्रक्शन के नाम पे, रेनोवेशन के नाम पे, तो बहुत चीज़ों की दिक्कत थी, तो उस चीज़ को लेकर सब सही किया जाएगा। कुछ गलियों पे पानी का सप्लाई बहुत अच्छा चल रहा है कि अब आपको पता ही है, दिल्ली जल बोर्ड हमारे आम आदमी पार्टी सौरभ भारद्वाज जी के पास है, तो बहुत अच्छा चल रहा है उस चीज़ में। अब आपकी विधानसभा मैम कौन सी है, जिस विधानसभा में रहते हैं? सर, मैं मालवा नगर विधानसभा से हूँ और सोमनाथ भारती जी जो एडवोकेट भी है और साथ में हमारे यहाँ से MLA है, वो उनकी विधानसभा से हूँ। सेकंड टाइम मौके में हमको जीते हुए, सब क्या क्या डेवलपमेंट हुआ मालवा नगर? सब बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, ही इज़ वेरी एक्टिव पर्सन, वो लोगों से रेगुलर बात करते हैं, इवनली वो जब भी कोई छोटी से छोटी प्रॉब्लम, इवन कुछ भी होता है ना कॉलोनी में या हमारे एरिया में, वो एक्टिवली वहाँ पे पार्टिसिपेट करने पहुँच जाते हैं और उस चीज़ को बिल्कुल, अगर वो रात में लेट मैसेज कर रहे हैं, अगर हमने मैसेज किया है, वो नहीं बिजी भी है, लेकिन वो उस चीज़ को रिस्पॉन्स देते हैं, चाहे वो लेट नाइट दें, और उस चीज़ पे लीगली मतलब बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। आप जिससे लोगों से जुड़ी हैं, जो भी परेशानियाँ होती हैं क्षेत्र की, तो आपकी कोई उसमें कोई भूमिका रहती है क्षेत्र में समाज के लिए? सर, जैसे भी कोई भी मुझे अपनी प्रॉब्लम बताता है, मैं कोशिश करती हूँ कि या तो अपने पर्सनल बेस पे सही कर सकूँ, अगर नहीं हो सकती है तो मैं अपने MLA जी के पास जाती हूँ, उनसे बोलती हूँ कि आप ये चीज़ सही कराइए जल्द से जल्द, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, जितना हमसे हो सकता है हम उतना लोगों के लिए कर रहे हैं। और मैं तो सीरियसली कहूँगी, आम आदमी पार्टी के MLA अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं और पूरी मेहनत करके अपनी विधानसभा को अच्छे लेवल पर रखते हैं। जैसे मैं वहाँ पेशे से एडवोकेट भी हैं, अगर कानून सलाह को लेगा तो क्या उस चीज़ के लिए आपको कोई मदद? सर, मैं हमेशा से फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करती आई हूँ और जितने भी गरीब हैं हमारे, जितने भी विधानसभा में एरिया में, जो भी मेरे पास कंसल्ट के लिए आता है, मैं उनको अच्छी राय देती हूँ और पूरे किसी बिना पैसे के
और जो भी अगर उन्हें ज़रूरत है कि उन्हें एडवोकेट ही चाहिए और किस लेवल पे चाहिए, मैं उनको एडवोकेट भी प्रोवाइड करवाती हूँ कोर्ट के अकॉर्डिंग। और आगे की कोई प्लानिंग से आपके? सर आगे की है कि इलेक्शन लड़ूंगी मैं भी कभी, अभी तो जितनी हो सकेगी उतनी पब्लिक सेवा करूंगी। और कोई एक दर्शकों को आप छोटा सा कोई मैसेज देना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी ने बहुत कुछ किया है 2 साल में, बहुत मतलब सॉरी 2 बार से जो इलेक्शन जीता है उसमें बहुत कुछ अपना डेवलपमेंट दिखाया है। स्कूल्स को आप देखिए, सरकारी स्कूल आज किस लेवल पे चल रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी अस्पतालों की कंडीशन कितनी अच्छी हो गई है, और आगे भी अगर आप मौका देंगे तो बहुत कुछ करके दिखाएंगे। थैंक यू। तो ये हमारी सीधी बात सुरभि सहजवाल जी से स्टार सिटी के साथ, मैं जितेंद्र गुप्ता।